दिगपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका एक बार फिर स्वागत। फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास कुछ बडिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एंड डायरेक्टर्स एक जगह मिल गए हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे अबाउट द फिल्म पठान और बेशरम रंग को लेके जो पूरे हिंदुस्तान में जो कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि ये गाना हटाया जाए, कुछ ये कह रहे हैं भगवा एंड ऑल दैट। लेट्स गेट देयर व्यूज ऑन दैट। दे ऑल आर फ्लरिशिंग एक्टर्स, यू विल सी देम टुडे और टुमारो। क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर डूइंग वेब सीरीज, कुछ फिल्में कर रहे हैं और कुछ डायरेक्टर भी हैं हमारे साथ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अनस। अनस हैपन्स टू बी अ वेरी वेरी बडिंग एक्टर। इनकी वेब सीरीज़ वगैरह कुछ हैं ऑलरेडी और कुछ इन प्रोसेस हैं। वेलकम टू दिगपुर न्यूज़। थैंक यू सो मच भाई। देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल लेडी विथ अस, हर नेम इज़ ज़िया। ये भी एक्टर हैं और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर रही हैं, स्पेशली वेब सीरीज़ वगैरह में। हाय। हाय, थैंक यू सो मच। ये शादाब साहब हैं, ही इज़ अ बडिंग डायरेक्टर और मतलब काफ़ी फिल्में इनकी पाइपलाइन में हैं जो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं। यू विल गेट टू हियर अबाउट एवरीथिंग ऑन दिस शो विद अस। या हाय, हाउ आर यू। नई कंट्रोवर्सी, बेशरम रंग, शाहरुख खान प्रोड्यूस फिल्म, हंगामा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इज इट रियली वल्गर? सी, दिस इज ऑल आई थिंक सो दैट इट्स ऑल अ पब्लिसिटी स्टंट, वी कैन से। और मे बी सम ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनको नफरत है मुसलमानों से और जिन्होंने एजेंडा बना रखा है ये कि कोई भी चीज़ रिलीज़ हो तो लव जिहाद, कुछ भी हो तो ये जिहाद वो जिहाद। आई डोंट नो कहाँ हिंदुस्तान जा रहा है और क्या मेंटालिटी हो रही है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इससे बाहर निकलें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम सब, मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ, काम कर रहा हूँ, हम सब एक दूसरे के साथ भाई जैसे रहते हैं। मतलब वहाँ पर अगर रमज़ान है तो इफ्तार के लिए सब साथ में इफ्तार खोलेंगे, और अगर सुबह जब रोल होता है और गणपति की पूजा होती है तो सब साथ में खड़े होते हैं। सो हमारी एकता को प्लीज़ ना भंग करें, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल। और सब समझदार हैं तो ये एक ग्रुप है जो सबको मालूम है बवाल मचाए हुए है। जी, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, जब लोग बात करते हैं आप वेस्टर्न कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर सॉन्ग पे क्यों पाबंदी? हर चीज़ तो आप वेस्टर्न के हिसाब से कर रहे हैं। इंडिया में आप डिट्टो कॉपीकैट बन चुके हैं। आज की डेट में आपकी खुद की ओरिजिनलिटी है ही नहीं, कहाँ रह गया है कोई ओरिजिनल। यहाँ पे सब चीज़ कॉपी हो रही है वेस्टर्न कल्चर से, तो फिर सॉन्ग में अगर लड़की ने कपड़े नहीं पहने या लड़के ने नहीं पहने तो उसमें इशू क्या है? बोलते हैं कि रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। नहीं, बट रिलीजियस सेंटीमेंट कैसे हर्ट हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज शाहरुख खान का है, और वो अगर रणवीर यही अगर रणबीर कपूर पे होता तो नहीं होता। जस्ट बिकॉज पीछे शाहरुख खान लगा हुआ है तो व्हाट अबाउट दीपिका पांडुकोन? उसकी वजह से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया? तो अगर मुद्दा रखना चाह रहे हैं तो दोनों के ऊपर होना चाहिए ना फिर रिलीजन की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये सब बकवास बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं लगता है तो अपने घर की टीवियों को बंद कर दीजिए। शादाब साहब, आप हैं डायरेक्टर, ऑनेस्ट व्यू अपना दीजिए। जिस तरह का न्यूज़ वगैरह तो आप फॉलो कर रहे हैं, और एक डायरेक्टर का ये समझा जाता है कि एक बहुत अच्छा विजनरी है। डायरेक्टर के बारे में ये समझा जाता है कि वो लोगों की पल समझता है और उसके ही हिसाब से चीज़ों का डायरेक्शन, चाहे वो फिल्म फॉर्मेट में हो चाहे वो टेलीविज़न में हो, देता है। ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बेशरम रंग, इसके बारे में आपका क्या टेक है कि ये फिल्म का ये पर्टिकुलर सॉन्ग बैन होना चाहिए, हटाना चाहिए कि चलते देना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रू फिल्म मेकर्स हैं, जो पास्ट में पूरे वर्ल्ड में हुआ है, और जो इंडिया में, जो अगर आप बहुत क्लासिक फिल्मों का देखो तो इनको इतनी पड़ी नहीं होती है। दे एग्जैक्टली डू व्हाट दे रियली वांट टू डू। तो ठीक है, कंट्रोवर्सी है जो भी है, बट वो करेंगे जो उनको करना है। बिकॉज एक जो फिल्म मेकर होता है वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बाहर जाके सोचता है, और ये सब चीज़ें आई थिंक दिस नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस बिकॉज वो लोग नहीं मानेंगे, एंड दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू इट बिकॉज दे आर बियॉन्ड ऑल दिस। आई थिंक काफ़ी चीज़ों से बहुत ऊपर जा, काफ़ी आगे निकल चुके हैं वो लोग। अभी हाल ही में करीबन एक चार छः दिन पहले बंगाल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिसमें इट वॉज ग्रेस्ड बाई बिग फिल्म लुमिनरीज, जिसमें शाहरुख खान भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, रानी मुखर्जी वगैरह भी थी। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम वी हेयर मिस्टर बच्चन टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच, और शाहरुख खान ने भी पहली दफ़ा अपना कोई स्टेटमेंट। दरअसल इस तरह के लोग जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो दे
लव टू मेंटेन क्वाइटनेस, क्योंकि सब कुछ उनके पास है, बिला वजह काहे के लिए एक वर्ड बोले उसकी कुछ कंट्रोवर्सी हो, लेकिन ये एक बोल्ड स्टेप लोग ने लिया है। शाहरुख ने शाहरुख भाई के इसी अवार्ड में एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा, बोले कि जिनकी माएँ, जिनकी माओ ने मुझे आशीर्वाद दिया और जिनकी माएँ मुझे पसंद करती हैं, आज उन्हीं के बच्चे मुझे बायकॉट करना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान को आज, मैं भी वर्ल्ड में पूरी जगह ट्रैवल करता हूँ, सो अगर बॉलीवुड जाना जाता है ओवरसीज में, बच्चन साहब एंड शाहरुख खान ये दो ऐसे हैं जिनकी मैं जब भी टीवी ऑन करता हूँ तो उसी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में इनकी फिल्में चल रही होती हैं। और किसी को भी आप पूछेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, एवरीबडी नोज शाहरुख खान। सो जब इतने बूढ़े बूढ़े बच्चे जानते, तो वो जो उन्होंने बात बोली शाहरुख खान ने कि आज जो जिनकी माएँ मुझे पसंद करती, जिनके आशीर्वाद से मैं बना हूँ, आज उन्हीं के बच्चे मुझे बायकॉट करना चाहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड, दीज टू आर यंग बडिंग एक्टर्स, इन लोग ने काफ़ी काम किया है, वील गेट टू सी देम वेरी सून। ही इज़ वन ऑफ आर मोस्ट बडिंग डायरेक्टर्स जिन्होंने काफ़ी फिल्में भी डायरेक्ट करी हैं, शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज करी हैं, नेटफ्लिक्स में ऑलरेडी इनकी फिल्म जो है दैट इज़ देयर। वील आस्क देम वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, दैट डज नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन बॉलीवुड? नेपोटिज्म पे समवेयर यस, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, बट इट्स देयर। हैव यू पर्सनली फेस्ड दिस? Not really, but yeah, I mean, I can see and I mean, I know it is there. I really don't want to say much things about on this, like, but yes, it is there. But my opinion on that, ये ऐसा है कि राजा का बेटा राजा ही होता है, एक छोटी सी बात में है। अगर राजा है तो वो गद्दी अपनी राजा जो है वो अपने बेटे को ही देगा, तो उसको नेपोटिज्म नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर किसी हीरो का बेटा है और वो उसको लॉन्च कर रहा है, उसका पैसा है, उसकी टीम है, वो फंड लेके आ रहा है, तो वो रिलीज कर रहा है अपने बेटे को। बाकी चलना नहीं चलना, अब आपको भी मालूम है, नाम नहीं लूंगा, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े ऐसे एक्टर हैं जो नहीं चले, जिनके पेरेंट्स बहुत बड़े हैं। बट अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बाहर वाले को नहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इट्स मीन्स के गलत है। आपको लॉन्च होना है भाई, आपके पास है इतना पैसा, चांस मिलता है, बहुत चांस मिलता है, लेकिन अब सक्सेस नहीं हो पाते हैं उतने लोग जितना होना चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। बाकी आपको मेरे डायरेक्टर बताएंगे। मेरा बस इतना सा है कि ये मुद्दा है, डेफिनेटली ये मुद्दा है, बट रीजन क्या है कि आज अगर आप राजा, जैसे मेरे फाजिल दोस्त अनस ने कहा कि है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर ये चीज है, आप राजा है, राजा का बेटा लॉन्च होगा, नॉट नेसेसरी कि राजा का बेटा चलेगा या रानी की बेटी चलेगी, नहीं चलेगी, नॉट नेसेसरी। जब अगर आपको पता है कि आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप हट जाइए ना, क्यों आपने वो गद्दी पकड़ के बैठी है, उस गद्दी पे किसी और को बैठने दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम राजा हैं तो हम बैठे रहेंगे जब तक हम चाहेंगे। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्ट्रगल का जो पैरामीटर बॉलीवुड में रहा है, एक आज से 10-15 साल 20 साल पहले देखिए तो बड़ा स्ट्रगल लोग करा के, यू नो दैट टिपिकल दैट रोमांटिक। वन मोर लाइन एज ही सेड कि लाइक राजा है तो राजा अपने प्रजा को बिठाएगा, बेटा को बिठाएगा। राजा जरूरी नहीं है कि बेटा भी उसी तरह से राज करे जैसे बाप ने किया है, राइट? सो अगर बेटे को अपनी क्वालिटी पता है और अपनी खामी और कमियां जो होता है आपको पता होता है, जब आपको पता है कि आप उस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है तो आपको काइंडली और पीसफुली वो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई मेंट। एक्चुअली पूरे नेपोटिज्म का जो पूरा चैप्टर है बहुत वास्ट है और इसमें घंटों निकल जाएंगे। ये आर्ट से और एक्टिंग से बियॉन्ड है, ये बहुत कमर्शियल वर्ल्ड है और ये बहुत एक बिजनेस की चीज़ें हैं जिसके हम लोग बात करेंगे तो शायद बहुत वक्त निकल जाए। लेकिन आज की डेट में इफ़ यू हैव रियली टैलेंट, पहले शायद ऐसा नहीं होता, तो आपके पास इतने ज़्यादा फॉर्मेट है अपने आप को हाईलाइट करवाने के, तो आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी मेकर राइट नाउ।
तो भाई कितना सोशल मीडिया पर कितने लोग स्टार्स बन रहे हैं, कितना यूट्यूब पर लोग बहुत अच्छे अच्छे कमाल के प्लेटफॉर्म्स खोले हुए हैं. इफ़ यू हैव इट इन यू जस्ट डू इट ना. अगर आप अच्छे एक्टर हो तो अपने आप को दिखा सकते हो और इसको ज़रूरत ही नहीं. इनफैक्ट ये तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है आज के पॉइंट में. मतलब आपके पास में पूरा प्लेटफॉर्म्स हैं, सब कुछ है. तो इफ़ यू हैव समथिंग इन यू जस्ट शो इट टू द वर्ल्ड ना. यू डोंट नीड अ मेकर राइट नाउ. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई फील नाउ. व्हेन यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, तो आज से 20 साल पहले 15 साल पहले द काइंड ऑफ स्ट्रगल बड़ा एक रोमांटिक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल लोगों का सुनने में आता था. फुटपाथ पे सोए, चाय और ब्रेड खाया, वड़ा पाव खाया, फिर निकल जाते थे, बस की टिकट नहीं रहते थे, क्या है उस ज़माने के. बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो बडिंग आर्टिस्ट डायरेक्टर्स, तो वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रगल एज कम्पेयर टू द यस्टरडे टाइम्स. सी एवरीबडी हैज़ हिज ओन स्ट्रगल. अब कोई बड़ा पाव खा के सोया है या ऑडिशन पे गया है, और कोई बिना खाने खाए भी सोया है. सो अब स्ट्रगल की डिफिनेशन सबकी अलग अलग है, सो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. सो दैट इज लाइक माई स्ट्रगल इज टोटली डिफरेंट, हर दिस स्ट्रगल इज डिफरेंट, इनका अलग. एक बहुत अच्छा वो है कि अगर पानी 100 डिग्री पहुंचेगा तो बॉयल हो ही जाएगा. तो बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड हो और यू वर्क रियली हार्ड, ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली अच्छे हो तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इग्नोर यू इन टूडेज टाइम. तो इग्नोर नहीं हो सकता है. कहीं ना कहीं खुद की खामियाँ होती हैं, खुद की चीज़ें होती हैं. आज भी सेम चीज़ है. अब क्या हो गया है कि लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन बेसिक जो कोर है वो वही है. यू हैव टू, इफ यू आर एन एक्टर, यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू एक्ट बेटर देन एनीवन एल्स, लाइक यू नो देन योर कॉम्पिटिटर. उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिंग सीखना है. यू हैव टू वर्क लाइक यू नो, आपको बहुत कुछ सीखना है. तो क्योंकि मतलब आई थिंक बहुत मेहनत है, तो अगर मेहनत करेंगे तो आई थिंक इट्स ईजी. लाइक यू नो, ना कल कुछ था ना आज कुछ है, तो सेम है, मोरल इज सेम नाउ. तो आज के टाइम में तो ऐसा हो गया कि अगर थोड़ा भी कोई टैलेंटेड कहीं दिखता है तो एज अ फिल्म मेकर लाइक यू नो, हम लोग कहाँ कहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू कनेक्ट विद देम कि नहीं यार, दिस पर्सन इज़ रियली टैलेंटेड. हैज सोशल मीडिया हेल्प्ड इन? आई थिंक मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो लोगों को बताना है कि प्लीज़ आप किसी चीज़ का वेट मत करो, किसी चीज़ के ब्रेक का वेट मत करो. आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास टैलेंट है, आपको जो करना है जस्ट डू इट, पुट इट ऑन द लाइक योर इंस्टाग्राम एंड पीपल विल फाइंड यू रियली गुड. वॉट आई फाइंड टूडे दैट द एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ टूडे are more aware. Not only they are aware with the idiosyncrasies of the people, the taste, their preferences, but they are also aware of the technical part of filmmaking. So I think, has that been an add-on to them? Okay, especially let's speak to Zia. How difficult it is for a woman to survive in Bollywood, and what are the parameters of struggle? Has she given herself a deadline? What is her wisdom to people who come with limited resources? Let's try to get something out from her. मुझसे अगर आप स्ट्रगल की बात करेंगे तो मुझे लगता है स्ट्रगल में एक अपना मज़ा है. मज़ा है, मतलब अगर आप इजी ही कुछ चीज़ मिल जाए आपको तो मुझे लगता है वो चीज़ लास्ट फॉरएवर नहीं रहती आपकी लाइफ में. सो जितना स्ट्रगल करते हैं आप अपनी लाइफ में, मुझे लगता है, कहते हैं ना आप जितना अपने आप को घिसते हैं उतना चमकते हैं. सो मेरे हिसाब से स्ट्रगलिंग इज़ अ गुड थिंग. मतलब किसी के अब्बा हुजूर बैठे हैं या फादर बैठे हैं, इजीली आप बन जाए और आपके अंदर वो चीज़ है भी नहीं, काबिलियत भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके फादर बैठे हैं और आपको पीछे से पुश करने के लिए आपको हर वो चीज़ मिल जाए. लाइक अपने इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत इजी होती है कि कोई ना कोई आपको पुश कर देता है, बट यू एक्चुअली डोंट पुश योर सेल्फ. सो लाइक इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल इन माई जिम, व्हेन आई मीट देम एंड दे सेड कि लाइक वी कैन नॉट वर्क आउट जस्ट बिकॉज देर इज़ नोबडी टू push us, we need somebody who can come and push us, like you know, workout ke liye bhi. I sometimes feel, dude, you cannot even push yourself, how will you push yourself in life? You understand my point? So mujhe lagta hai struggle ke bina maza nahi hai life mein. So I mean, I don't disagree. Sabse bada jo ek life example hai aaj tak ka, agar aap Bollywood ki baat kar rahe hain, sabse badi hit hai hamare legend, the legend K. Asif Saab, मुगले आजम, सालों लग गए बनने में, हार नहीं मानी उन्होंने, आधी शूट हुई बंद हो गई, बजट लेके पहुंचे बोले 10 लाख, उन्होंने बोला. तो मतलब अब आप वो देखिए, वो चीज़ देखिए जो उन्होंने बनाई, उनका स्ट्रगल देखिए,
तो उनके अंदर वो लगन थी, जैसे शादाब भाई ने बात बोली कि आप में टैलेंट है और आप में लगन है, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप। सो अगर आप में वो चीज़ है, लगन है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पानी और रोहित को भी मुट्ठी में दबा के बहुत देर तक नहीं रख सकते, वो भी अपना रास्ता बना के निकल ही जाएगा। अच्छा, आई वांट टू ऐड ऑन वन मोर थिंग व्हिच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई कनेक्शंस, मैं किसको जानता हूँ, कौन किसको जानता है, बिल्कुल चक्कर में ना पड़े। एक मैं वो छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म चालू हुआ था 3 साल पहले यूपी में एक जगह, इस कॉल राउंड टू हेल। तो उनके आज सब्सक्राइबर जो हैं 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो 3 लोग हैं जिन लोगों ने क्रिएट किया। उन लोगों को फिल्म मेकिंग का ABCD भी नहीं आता था, दे क्रिएटेड दैट। नाउ नेटफ्लिक्स जो है वो अपने शोज़ का प्रमोशन उनके प्लेटफॉर्म पर कर रहा है, एंड उन लोग कभी वहाँ से एक छोटे से यूपी के एक छोटे से गाँव वहाँ से बाहर भी नहीं निकले हैं। तो ये इल्ज़ाम देने और लोगों को बताना है कि ये ब्रेक नहीं दे रहा उधर, आप खुद को ब्रेक दे लो। आज मोबाइल आपके पास में है, सॉफ्टवेयर आपके पास में, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अभी क्या है कि आप अननेसेसरली मेहनत करो, जस्ट वर्क हार्ड एंड प्लीज़ इस सब चक्करों में मत पड़ो। और जो ये नेपोटिज्म की बात है, ये बहुत बड़ा कमर्शियल वर्ड है, इस तरह का ह्यूज बिजनेस। और आपको डेफिनेटली आपके लिए जगह, एक से एक एक्टर आ रहे हैं, जयदीप अहलावत आए हैं, नवाज सर आए हैं, इरफान सर आए हैं, लाइक यू नो सो मेनी न्यू, लाइक जो लोग नहीं थे दे बिकेम अ बिग स्टार एंड एवरीवन रिस्पेक्टेड देम। ज़िया ने एक बात करी, ये कहा कि इफ़ यू हैव इट इन यू, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नोटिस होंगे। देर इज, व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, स्क्रीन प्रेजेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी फेटल इन कंट्री लाइक इंडिया। अब क्या होता है कि होप्स एंड डिस्पेयर, अल्टीमेटली आई एम एक्चुअली प्लानिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन आई मीन बॉलीवुड, इट्स टर्म्ड एज द कैजुअलिटीज ऑफ बॉलीवुड। In that, I will talk about those people who had all the ingredients of being a great star, but with the advent of time, how they became compulsive liars, and at the end of the day, they result into being a real estate agent. I want to know that does today's generation know ki okay, beyond this is my timeline, main ye महीना इतने महीने तक देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद इफ थिंग्स डज नॉट वर्क फॉर मी आई विल टेक अ डिसेंट एग्जिट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगेन आई एम सेइंग, फॉर दोज पीपल हु आर इनटू बॉलीवुड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज स्मॉल नुएंस। लेट्स गेट अ वर्ड फ्रॉम देम। आई वुड लाइक हिम टू आंसर फर्स्ट। सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? See, for that, like, you know, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियली फाइंड आउट वन थिंग, कि वो जो टैलेंट है आपके अंदर नेचुरल है या नहीं है, डू यू हैव इट इन यू और नॉट। लाइक आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे फेमस होना है और मुझे बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, उसके लिए आप इस फील्ड में हैं, तो आप थोड़ा सा देख लो, अगर अच्छा होगा और नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ होगी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी देयर। अगर अंदर है ही नहीं तो देयर इज नो पॉइंट, लाइक यू नो, इवन कोई टाइमलाइन देकर भी फायदा नहीं है। और अगर है तो पूरी जिंदगी दे दो, बट यू हैव टू फिगर इट आउट वेदर यू हैव इट इन यू आर नॉट, सो दैट यू हैव टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आप उसको लेके बहुत ऑनेस्टी के साथ में उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, कि तुमने कोई फिल्म करी, ठीक है, तुमको लोगों ने तुमको देखा, और उसमें कोई ये तो नहीं कहेगा बहुत बुरा काम किया, कहेगा अरे वाह अनस, यू हैव डन मार्वेलस जॉब। अपने वाले और बाहर वाले जो भी हों, हाँ अनस, यू हैव डन ए मार्वेलस जॉब। डज अनस हैज दिस पावर टू अंडरस्टैंड कि ये मार्वेलस मैंने किया है कि नहीं किया है? और प्रॉब्लम क्या होती है कि स्क्रीन प्रेजेंस और बॉलीवुड ग्लैमर इतना आर्टिफिशियल और फेटल होता है कि आपकी तारीफ जो होती है, जो झूठी तारीफ होती है, उस पर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डिस्कवर देम बीइंग अ रियल स्टेट एजेंट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो हाउ डज वन जज? यू नीड टू हैव, यू पीपल लुक एजुकेटेड, यू पीपल लुक फ्रॉम कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स, बट व्हाट अबाउट दोज पुअर थिंग्स हु हैव एक्सरसाइज ऑल देयर रॉन्ग मसल्स ऑफ द बॉडी एंड दे से अरे यार क्या क्या? उनके बारे में कुछ मैसेज या कुछ बात, आप लोग तो हो, यू नो टू सस्टेन और यू हैव द एबिलिटी टू सस्टेन, बट वॉट अबाउट दोज पीपल हु आर योर कलीग्स हु डोंट हैव इंग्रीडियंट्स इन देम एंड येट दे वॉन्ट टू मेक इट बिग इन टू बॉलीवुड? एग्जैक्टली, मैं उनके लिए एक ये मैसेज देना चाहूँगा, और ये मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी, कि काफ़ी लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, पहले आप एक बार खुद पे आप वीडियो बनाओ, ऑडिशंस दो और ख़ुद देखो
कि आप में वो है कैपेबिलिटी आगे जाने की कि नहीं है, क्योंकि अपना मजाक उड़वाने से अच्छा है और फैमिली से दूर रहकर उनको परेशानी देने से अच्छा है कि आप अपने आप को खुद जज करो, किसी और से जज करने के अलावा आप खुद जज करो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द वाले हमेशा ये बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरे पास ये लाइव एग्जांपल्स हैं। फिल्म इंडस्ट्री से हट के मेरे और दोस्त हैं जिनकी लाइफ उनके दोस्तों ने बर्बाद की है, वो रात में ऐसे बैठ जाते थे और वो कुछ बोलें, भैया क्या बात कही है आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री की दारू के लिए, और वो भैया ने सोचा कि भैया सब सही कर रहे हैं और सब गलत ही हो रहा था, तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि जितने भीड़ थी ये सिर्फ फ्री का पीने और खाने के चक्कर में मेरी तारीफें कर रहे थे। तो उस टाइम भी उनको अगर कोई सच्चाई बताने वाला था तो वो उनको बुरा लगता था। सो आपको उस टाइम जो सच्चाई बता रहा है आप उसको ज़रूर सुने, बाकी लोगों को हटके अगर एक आता है आपको बोलता है नहीं यार इसमें तुम्हें काम करना चाहिए, सो आप उसकी सुने, क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है, जो झूठे वादे कर रहा है वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। Your future projects, or if you want to add on to what he said. I would like to add on something. मुझे एक किस्सा याद आया, बहुत पहले मैं एक लड़के से मिली थी, हैंडसम सा गुड लुकिंग लड़का, जब उससे पूछा गया कि तुम बॉम्बे में क्या कर रहे हो, छोटे से शहर से आया हुआ लड़का, तो उसने मुझसे कहा कि मैं हीरो बनने आया हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या है तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी हीरो बनने की, बस मैं दिखता अच्छा हूँ। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि आपको लगता है जस्ट बिकॉज आप अच्छे दिखते हैं तो आप हीरो हैं, या जस्ट बिकॉज आप अच्छी दिखती हैं तो आप हीरोइन हैं, अगर आपको आपकी काबिलियत के बारे में नहीं पता है, आपको खुद की क्वालिटी के बारे में नहीं पता है, तो आई थिंक आपको उसको इस फ्लेम डेम नगरी में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिल्टर आज के डेट में लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, वो इतने आर्टिफिशियल हो गए ना, उनको हर आर्टिफिशियल चमकती धमकती चीज़ अच्छी लगती है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं हर चमकती चीज़ सोना तो होती नहीं है, तो आपको एक्चुअली खुद को जानना है। अगर आपको पता है कि आप सोना है तो आप कितनी भी गर्मी में रहेंगे सोना ही रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, जो होती है कोई है नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा, सो बट उसका सिर्फ एक जो निचोड़ है वो है अब वो अल्लाह ताला जिसको तरक्की दे दे उनके मूड के ऊपर है, वो बादशाह हैं, वो खाक से उठा के ऊपर बैठा दें आपको, तो वो उनकी चॉइस है, वो क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग बने भी हैं। अब आप देख लीजिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहीं से नहीं थे, अल्लाह ने उनको नवाजा, आज बहुत नवाजा, आज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, टैलेंट है उनके पास। आज हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट भी है लोगों के पास जिनको चांस नहीं मिल रहा है, एक ये भी चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिनको चांस नहीं मिल पाता है, मिल रहा है तो छोटा मिल रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। सो इस पर अपने आप को नहीं कोसें, मैं कहूँगा सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो जब तक आपके पास है आप मेहनत करें, मंजिल पहुँचाने का हक उनका है। हाँ, इसमें क्या है ना कि जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं उनका अच्छा ओपिनियन या बुरा ओपिनियन कुछ भी मैटर नहीं करता है, तो दैट्स लाइक अ बॉटम लाइन कि वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर अच्छा बोल रहे हैं तो भी नहीं और अगर बुरा भी बोल रहे हैं तो भी नहीं, वो पर्सनली आपको जानना नहीं चाहिए। आर्ट का ऐसा है, आर्ट के लिए एक आपको ऑडियंस अलग तरीके से चाहिए, और आर्ट जो है वो ऐसा है कि पहले समझना जरूरी कि आर्ट में टेक्स डिकेड्स कि कोई आपकी आर्ट्स लोगों तक पहुँच पाएगी। तो आप कमर्शियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं या आर्ट की बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ना सब जंबल अप हो गई हैं। आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, बड़े बड़े स्टार, ये उसका का बेटा, ये स्टार का बेटा, वो एक बिजनेस हो रहा है, जैसा बिजनेस, जैसा प्रॉपर बिजनेस। आर्ट एकदम अलग चीज़ है। आर्ट आज एक थिएटर में भी बहुत रिनाउंड एक्टर हो सकते हो आप, आज इतने बड़े बड़े थिएटर्स के शोज होते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो एक आर्टिस्ट अलग होता है और ये कमर्शियल हीरोज अलग होते हैं, ये एक्ट्रेसेस अलग होती हैं, तो इनको दोनों चीज़ों को जोड़ो मत आप साथ में। और इफ़ यू आर इनटू अ बिजनेस देन डू इट लाइक अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट एंड टेक द मनी, जैसे ऑल बिजनेसेस में होता है। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, बहुत लंबा कुछ है, एंड डेफिनेटली लाइक वी टॉक सम टाइम इन डिटेल अबाउट दिस। तो दैट्स इट, द यंग जनरेशन डेफिनेटली हैज देयर ओन व्यूज which are very smart, they are very smart, they know what's happening around. And he's also very smart. They know what's happening around. Every question has an answer which was not there earlier. Keep watching Dikpu News. If you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.